अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज आए हुए हैं हम लोग अरफान मोटर्स के ऊपर और हमारे साथ जो है मौजूद हैं नूरुद्दीन भाई, जिनकी ये गाड़ियाँ हैं सारी। तो काफ़ी सारे लोग हमारे हजरात बोल रहे थे कि एहसन भाई आप जो है वो बड़ी जीप्स वगैरह का और जो पुरानी टोयोटा के मॉडल्स हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रहे और गाड़ियाँ जो है वो हमें नहीं दिखा रहे। तो सबसे पहले तो अरफान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, शुक्र अल्लाह। तो नूर भाई मुझे ये सबसे पहले बताएं, ये जो मुझे गाड़ी खड़ी हुई एक दिख रही है इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दें सर, कौन सा मॉडल है ये? 89 मॉडल है, ये जिसको RKR बोलता है। ये जो है ना शेप इसका वो बनाया हुआ है ना, 2008 का शेप डाला हुआ है। ठीक है, ये RKR शेप है, बेसिकली ये RKR है जी। और इसको आपने जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है किसमें? किसमें? फेस फेसलिफ्ट करा हुआ है आपने 2008 में। ठीक है जी, तो इस गाड़ी के जो पैसे वगैरह हैं ये जो सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला वो हमने जो है वो अभी जो है वो नूर भाई को याद नहीं है, लेकिन ये के अंदर लिखी हुई है वो सारी डिटेल्स वगैरह हम लोग गाड़ी के बारे में जो है वो आपको देंगे। अच्छा अरफान भाई मुझे बताइएगा, इसमें कोई काम है अभी गाड़ी के अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही गाड़ी है, चालू गाड़ी है। अच्छा, इंजन अपना 13B का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, 13B का जो है वो इंजन डीजल है, डीजल वाला इंजन है, 13B का है। ठीक है, अच्छा पैसे इसके वैसे याद है अभी आपको? जी हाँ, 35 लाख रुपए इसका डिमांड है। ठीक है, 35 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बराबर में हमें ये जो है वो पजीरो दिख रही है, पजीरो दिख रही है, ये जो मॉडल है 93 मॉडल है ना। ठीक है, 96 रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, ये दोनों गाड़ियां बिल ऑफ एंट्री वाली है ना, कोर्ट। अच्छा, आपने इसमें मुझे बताया कि इसमें ये बॉडी चेंज वाला है ना, इसमें जो सीन? नहीं, फेस चेंज है इसका। अच्छा, यानी कि आपने फ्रंट का खाली फेस चेंज करवाया, पूरी बॉडी जो है वो नहीं? नहीं, वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ठीक है, अच्छा हम इस पे आए थे पजीरो पे। सर क्या मॉडल बता रहे थे आप? 93 मॉडल है और 96 की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। इसके क्या पैसे हैं अरफान? इसके जो है 22.5 लाख डिमांड है। ठीक है, 22.5 लाख। पेट्रोल इंजन है, 6 सिलेंडर पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल इंजन पे ये 6 सिलेंडर। तो बाकी ये की जाहिर सी बात है इसमें गुंजाइश वगैरह तो होगी ना? जी बिल्कुल, गुंजाइश हो जाएगी, आपका नाम भी ले लेगा गुंजाइश। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। तो ये खसूसी गाड़ियाँ होती हैं, इनके रेट अभी थोड़े से आपको हाई लग रहे होंगे, लेकिन आप जब मार्केट में लेने जाते हो संडे कार बाजार में तो आपने देखा होगा इसके रेट बहुत ज्यादा लोग मांग रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला चलें आज जो है वो यहाँ पर आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा, आए आ गए हैं। ये हमें जो है वो मिनी पजीरो भी खड़ी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये 95 मॉडल है, 2005 का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 95 जो है मॉडल है और 2005 का रजिस्टर, 5 का जो है वो रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में बताएं, ये ऊपर से कलर है गाड़ी पूरी? जी हाँ, ऊपर से फुल। ठीक है, कलर अंदर से जेन्युइन है? जेन्युइन है, कोई कुप्पे उप्पे हर चीज ओके ओके है। एसी वीसी इंजन सस्पेंशन ऑन है, ये वो है ना मैनुअल है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे। अच्छा, ऑटो वाली नहीं है ये, 1000 cc वाली है? जी 1000 cc इंजन चेंज है, 1000 cc डाला हुआ है, 1100 जिसको बोलते हैं। ठीक, 1100। इसके पैसे आपको याद है? जी हाँ बिल्कुल याद है। अच्छा, इसके पैसे बताइए। ये इसके पैसे जो है 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपए जो है डिमांड कर रहे हैं आप, लेकिन ये किस्म गुंजाइश हो जाएगी? ठीक हो गया। अच्छा, इसके पीछे जो है ये क्या चीज खड़ी हुई हमें नजर आ रही है? बहुत सारे जो हमारे शौकीन होते हैं भाई लोग जो बोल रहे होते हैं कि भाई डाला चाहिए, डाला डबल केबिन है। हाँ, रिवो के मजे छोटे गाड़ी में जो है वो आपने, तो आप लोगों के लिए ये गाड़ी भी आ गई है। सर कौन सी गाड़ी है ये? ये जो है टोयोटा 86 मॉडल है। ठीक है, टोयोटा का डाला है ये 86 मॉडल। इसका नाम थोड़ा सा कुछ नहीं, वो इसको टांगो बोलते हैं ना, टोयोटा टांगो बोलते हैं, टांगो बोलते हैं इसको। अच्छा, 86 का जो ये मॉडल है, ये 2400 cc डीजल इंजन है इसके। ठीक है, 86 मॉडल है। इसमें एसी वेसी होता है? ये होता है मगर अभी स्टार्ट भी हम चालू करके दे देंगे। अच्छा, ऊपर से पूरे कलर है ये गाड़ी? पूरा कलर है, अंदर से जानवर है। खुदाना खासा कोई एक्सीडेंट वगैरह? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इसके भी पैसे बता दें आप? ये 16.5 लाख डिमांड है। ठीक है, 16.5 लाख रुपए। इसमें कोई गुंजाइश है? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। बाकी पेपर CPLC टैक्स क्लियर आपको मिलेगा, हर चीज क्लियर जो है मिलेगी। अच्छा, ये तो हमारी फ्रंट की जो है वो जीप्स के जो शौकीन थे हमारे, जो लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि भाई अलग अलग मॉडल के दिखाओ सारी, तो भाई देख लें सबसे बड़ी से शुरू हुए, फिर उसके बाद हमने जो है वो आपको पजीरो भी दिखाई, फिर मिनी पजीरो भी दिखाई, और उसके बाद आ गए हम लोग डाले की तरफ। तो ये सारी गाड़ियां आप लोगों को साथ साथ जो है वो विजिट करवाई हैं। इसके बाद लास्ट गाड़ी एक मुझे जो है वो पीछे खड़ी हुई नजर आ रही है अंकल, ये क्या 86 खड़ी हुई है? ये 86 खड़ी हुई है डीजल में। ठीक है, डीजल इंजन में, डीजल इंजन में। अच्छा, इसका क्या है, कितना सीसी आता था डीजल? ये डीजल में जो है ना, इसमें समझ लो 2000 cc का डीजल डाला हुआ है। ठीक है, 2000 cc जो है वो डीजल इंजन पे जो है ये गाड़ी। अच्छा, इसमें क्या है, ये भी कलर वगैरह ऊपर से कलर है ऊपर से फुल कलर है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे आके दिखा दें गाड़ी। तो ये कलर है, एसी वीसी इसका वर्किंग में सारी चीजें? नहीं नहीं, वर्किंग में नहीं है, एसी वर्किंग में। ठीक है, बाकी अभी कोई काम हो आपकी नजर में गाड़ी में? काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ले और चलाने वाली कहानी है। ठीक है जी, तो भाई ये सारी जो है वो गाड़ियाँ आप लोग आज विजिट करवाई हैं, और एंड में 86 के रेट भी हमें एक दफा जो है बता दें, 4.5 लाख डिमांड है, 4.5 लाख रुपए जो है वो डिमांड है, गुंजाइश हो जाएगी।
तो होप करते हैं भाई ये सारी गाड़ियां जो है वो आप लोगों को पसंद आएंगी और कोशिश करके आप लोगों को अच्छे से जो है वो दिखा दिए। बाकी इंशाल्लाह ताला जब आप कॉल करेंगे जी जी। तो नूर भाई इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से जो है वो गाइड कर देंगे, सारी डिटेल्स वगैरह जो है बता देंगे। तो फाइनली भाई इरफान भाई खुद आ चुके हैं। कैसे हैं इरफान भाई, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं सर। हमने गाड़ियों की डिटेल्स तो ले ली माशाल्लाह से, चार गाड़ियों की। उसके बाद अभी हमारे को ये बुलान दिख रही है, नजर आ रही है सर, इसका क्या हिसाब किताब है? ये मॉडल है 99 का है। ठीक है, 99 का जो ये मॉडल है। और ये कंपनी की गाड़ी थी और उसके बाद सेकंड, यानी कि सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर तो उनके लिए जो है ये गाड़ी अच्छा, ये ऊपर से कलर है और अंदर से ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, कोई काम शाम तो नहीं है अभी गाड़ी के अंदर? चलने में बहुत अच्छा है। ठीक है, अपनी ड्राइव में भी रखा हुआ है, माशाल्लाह बेहतरीन चलता है। बाकी मुनासिब हो जाएंगे ना हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 4.5 लाख रुपए डिमांड है, बाकी इंशाल्लाह ताला मुनासिब हो जाएंगे। इरफान भाई दो गाड़ियां पीछे भी खड़ी हुई है, अपनी गाड़ियां हैं। तो अब आ जाते हैं भाई हम लोग जो मरगला के शौकीन हैं, जो लोग बोलते हैं भाई एहसन भाई मरगला कोई नजर आ जाए तो वो दिखा दिया करें, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी है। इरफान भाई इसके बारे में बताएं जरा, मरगला के बारे में। मरगला 96 का मॉडल है, छत बोनट डिग्री ओरिजिनल है इसका। ठीक है, और साइडों में शावर है, गाड़ी अंदर और बहुत अच्छी गाड़ी। ठीक है, यानी कि आप बता रहे हैं कि छत बोनट वर्किंग में। ठीक है, छत बोनट डिग्गी ओरिजिनल है, साइड शावर है गाड़ी की, एसी वे थी अच्छी गाड़ी का ऑन है, यानी कि अगर कोई फैमिली वाला बंदा भी खरीदता है जी जी, परफेक्ट है कंडीशन, लेके चला है। बिल्कुल चला है। ठीक है सर, पैसों में क्या है? पैसों में इसका डिमांड तो हमने सवा पाँच रखे और मुनासिब भी कर देंगे कर देंगे। तो भाई 5.25 लाख रुपए जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी कॉल करेगा भाई हमें वो उसमें जो मुनासिब हो सकेगा, जो गुंजाइश हो सकेगी, बात करके देखिएगा, अच्छी डिमांड लगाते हैं तो बातचीत बन जाती है। बढ़ जाते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा जो है वो खास है इरफान भाई। ये तो चाइना जीप है। पहली बात है ये तो मिलती नहीं है हमें। हाँ, ये एंटीक गाड़ी है, एंटीक गाड़ी वाला जो है वो सीन है। 12 का डीजल इंजन है। 12 का डीजल सर, गाड़ी कौन सी है पहले तो ये बता दो। चाइना जीप है, 78 मॉडल है। चाइना जीप है, 78 मॉडल है। ये वो कमांडो वाली तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, और ये कमानी वाली है। कमानी वाली जो है ये जीप। अच्छा, इसके पीछे भी दिखा दें, ये डाला टाइप जो है इसके पीछे है। तो ये आप लोग जो है वो चेक करें। तो जो भी हमारे शौकीन थे ना, जो बोल रहे थे थोड़ी विंटेज चीजों की तरफ भी जाएं, जरा पुरानी चीजें भी दिखाएं। है हमारे पास खोल के रखा हुआ फाइबर टॉप, टॉप लगता है वो भी है हमारे पास। ठीक है, जो फाइबर का पूरा टॉप आता है इसके ऊपर। कोई ओपनली चलाना चाहता है वो ओपन चलाए, वो कोई टॉप रखना चाहे वो टॉप चलाए। अच्छा इरफान भाई, कंडीशन तो हमने गाड़ी की दिखाई, थोड़ी और कंडीशन आप दिखाओ। मैं जब तक सवाल पूछता हूँ इरफान भाई, मुझे ये बताएं, 12 का इंजन अभी इसमें डला हुआ है, बॉडी वॉडी सब इसकी अपनी है, सारी चीजें सब अपने, नया टायर है इसमें देखो। ठीक है, ब्रांड न्यू टायर लगे हुए, गाड़ी अच्छी गाड़ी है चलने में। और पैसे क्या रखे हैं फल भाई इसके? इसका 5.25 लाख। 5.25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। और भी गुंजाइश है तो और भी कर। अच्छा इरफान भाई, काफी सारे लोग जो है वो देख रहे होते हैं और बोलते हैं यार कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए तो हम लेके बना लें। तो एक फाइनल वाली बात करें, जो हमारे शौकीन लोगों तक गाड़ी भी मिल जाए वो लेके बनवा भी लें, क्योंकि देखे ना हर कोई अपनी तरीके से ये गाड़ी बनवाता है। बिल्कुल फाइनल आखिरी में जो 4.80 में दे देंगे। ठीक है भाई, 4,80,000 रुपए में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। ये भी इरफान भाई हमारे में कर दिए इरफान भाई ने। बाकी इंशाल्लाह ताला कांटेक्ट करेंगे तो और मजीद गाड़ियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जब बंदा आता है मिलता है तो अच्छे से बातचीत हो जाती है। इरफान भाई अपनी लोकेशन समझाएं लोगों को कि अगर कोई आना चाहे तो। पंप है पुराना गोलीमत और नियर ये रेंजर्स हेडक्वार्टर। ठीक है, तो भाई गूगल में सर्च करेंगे हमारा इरफान मोटर लिखे, आ जाएगा। तो भाई बिल्कुल आप जब पुराना गोली मार पाएंगे ना तो रेंजर्स हेडक्वार्टर, रेंजर्स है मेन रेंजर, बस उसी के कोने पे ही है स्टार्टिंग में। तो अगर किसी भाई को भी कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो हमारे रेफरेंस से कॉल कर लीजिएगा इरफान भाई को, जो इसमें हो सकेगा वो कर लेंगे। इरफान भाई एक दफा अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा लोगों के साथ जिसपे कॉल कर सके। 0333-7-5813। अच्छा एक दफा रिपीट कीजिएगा, 0333-2-1-7-5813। ठीक है, तो भाई ये इरफान भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मजीद मालूमात ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं पूछी हैं, गाड़ियाँ खोल के आप लोगों को नहीं दिखाई हैं, जब इरफान भाई को कॉल करोगे तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को दे देंगे भाई कौन सी गाड़ी में क्या चीज़ है, पिक्चर्स वगैरह जो होंगी वो सारी चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई आपके टाइम का, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पर भी आएंगे तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तक वीडियो देखिए तो भाई वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कर लीजिएगा, और हमारे जितने हजरात हैं अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।